रजमंडल द्वारा कल नूह में धार्मिक यात्रा निकाले जाने के ऐलान के बाद पड़ोसी जिला फरीदाबाद में भी ऊपरी आदेश के चलते कल रात से फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर टोल प्लाजा और जिले के अन्य हिस्से में नाके लगा दिए गए ताकि सामाजिक तत्व पर नजर रखी जा सके। वहीं पुलिस द्वारा खास तौर पर बाहरी राज्य की गाड़ियों को खास तौर पर रोक कर चेक किया जा रहा है ताकि असामाजिक तत्व किसी किस्म की अशांति ना फैला सके। फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर नाके पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि नूह के अंदर कल यात्रा निकालने का ऐलान किए जाने को लेकर ऊपरी आदेश के चलते सभी जगह नाके लगाकर बाहर के राज्यों की गाड़ियों को खास तौर पर रोक कर चेक किया जा रहा है। सर, नाका लगा हुआ है टोल टैक्स पर, क्या वजह है जो आज भी नाका लगा हुआ और इतनी गर्मी पड़ी हुई है, धूप आप खड़े हुए? ये नाका लगा हुआ है जो मेवात में नूह में ब्रजमंडल शोभा यात्रा को लेकर कुछ से जो धार्मिक संस्थाएं हैं, गुट हैं, उन्होंने यात्रा निकालने का ऐलान किया हुआ है और इस बारे में सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी रूमर्स चले हुए हैं जिसके कारण जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ सकता है और जो कुछ असामाजिक तत्व है वो अशांति फैला सकते हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए भाई नूह में कोई बाहर के प्रदेश से आदमी आके वहाँ पर दंगा न फैलाएँ, अशांति भंग नहीं हो वहाँ की, इसलिए सरकार ने यहाँ पे नाके लगवाए महकमे ने, इसलिए हम यहाँ पे गाड़ियों को चेक कर रहे हैं जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं दिल्ली या किसी अदर प्रदेश से, तो उनको चेक कर रहे हैं। अभी तक कितनी गाड़ियों को चेकिंग कर चुके हैं और क्या गाड़ियों को संगीत देखते हैं, मतलब किस किस चीज़ की चेकिंग है? ये गाड़ियाँ हम कल रात, ये नाके हैं ये कल रात से लगे हुए हैं, अब तक हम कम से कम 250 गाड़ियों की चेकिंग कर चुके हैं। क्या माने हैं कि प्रशासन ने उनको जो इजाज़त ना दी है, इस बात को लेकर पुलिस अलर्ट है? इस बारे अलर्ट है, पुलिस का तो मेन काम ये है कि कोई ऐसी अशांति नहीं हो, समाज में जो सद्भावना है वो बनी रहे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आए,